यह वीडियो साइंस क्लास 9 चैप्टर 1 का पार्ट 2 है। इसके पहले भी एक पार्ट मैंने बनाया है, तो आप उस पार्ट को जरूर देखें। इसके पहले पार्ट में हम लोग पढ़ रहे थे मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, मैटर पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इसके लिए हम लोगों ने एक एक्टिविटी किया था। इस एक्टिविटी में हम लोगों ने पानी में नमक के कुछ पार्टिकल को घोला था, तो वहाँ से एक प्रश्न उठा था, डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, क्या वाटर का लेवल चेंज होता है? तो आंसर था नहीं। तो एक और क्वेश्चन आया था, व्हाई डज द लेवल ऑफ वाटर डज नॉट चेंज, वाटर का लेवल चेंज क्यों नहीं होता? इसका आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हेन वी डिजॉल्व साल्ट इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ साल्ट गेट इन टू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जो वाटर है वह भी पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जबकि ये साल्ट है वह भी पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो जब वाटर में साल्ट को घोला जाता है तो ये जो साल्ट है वह वाटर के पार्टिकल के बीच में घुल मिल जाता है। यही वह कारण है जिसके कारण वाटर का लेवल चेंज नहीं होता है। तो आप इस आंसर को यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक है हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हम लोगों ने अब पढ़ लिया कि मैटर पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, तो अब हम लोगों को देखना है कि यह पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक्टिविटी दिखाया गया है, टेक 2 to 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, 2 से 3 क्रिस्टल पोटेशियम पर मैग्नेट के लेने हैं जो कि आपको लेबोरेटरी में आसानी से मिल जाएगा। डिजॉल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर, और इसको 100 ml ऑफ वाटर में डिजॉल्व करना है। तो आप देख सकते हैं ये 100 ml वाटर लिया गया है और इसमें पोटेशियम परमैग्नेट के कुछ क्रिस्टल को डाला गया है और डिजॉल्व किया गया है। तो आप इसका कलर भी देख सकते हैं, इस प्रकार का कलर आता है। फिर क्या करना है, इस सॉल्यूशन में से 10 ml आपको निकाल लेना है और फिर 90 ml वाटर अलग से आपको रखना है और इस 10 ml को इस 90 ml वाटर में डालना है। तो आप देखेंगे कि वापस ये 100 ml हो गया और इसका कलर फिर से आ जाता है, कुछ हल्का कलर होता है, लेकिन ये पोटेशियम परमैग्नेट इसमें भी आ जाता है। वापस इस प्रक्रिया को आपको बार बार दोहराना है। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। इस प्रयोग को करने के बाद आपको पता चलेगा कि एक छोटे से क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट को लेने पर और इस प्रकार से उसको एक्टिविटी करने पर आप देखेंगे कि एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर कलर हो सकता है। तो यही बात यहाँ पर लिखा गया है, दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर को यह कलर कर सकता है, तो यह कैसे संभव है? जैसे कि आप देख सकते हैं यह 1000 liter लिखा हुआ है। So we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate. तो यह इसलिए संभव होगा क्योंकि ये जो potassium permanganate का छोटा सा crystal होगा वह छोटे छोटे particles से मिलकर बना होगा और इसमें millions of particles होंगे जिनको पानी में घोलने पर ये अलग हो जाते हैं। So we conclude that there must be millions of tiny particles इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट विच कीप ऑन डिवाइडिंग themselves into smaller and smaller particles। तो आप देख सकते हैं जैसे ही इस क्रिस्टल को पानी में डाला जाता है तो ये पार्टिकल्स अलग होना शुरू हो जाते हैं। अल्टीमेटली अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल्स कैन नॉट डिवाइड फर्दर इंटू स्मॉलर पार्टिकल। और इसके बाद एक स्टेज आएगा जब ये पार्टिकल्स आगे की ओर नहीं डिवाइड होंगे, द पार्टिकल्स कैन नॉट डिवाइड फर्दर इंटू स्मॉलर पार्टिकल्स, आगे ये पार्टिकल डिवाइड नहीं हो पाएंगे। तो इससे क्या हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं? इससे कंक्लूजन निकालते हैं कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डेटॉल इंस्टीड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। तो इसी प्रोसेस को हम लोग डेटोल से भी कर सकते हैं। द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन रिपीटेड डाइल्यूशन। तो आप बहुत बार इस प्रक्रिया को दोहराएंगे
तो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि डेटॉल का कुछ न कुछ गंध, कुछ अंश रह जाता है। डाइल्यूशन, यहाँ डाइल्यूशन का मतलब होता है पतला करना। तो आप देख सकते हैं द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। इस एक्टिविटी से हम लोगों को यह बात पता चलती है कि मैटर के जो पार्टिकल हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। तो वो हमारे इमेजिनेशन के परे हैं, वे इतने छोटे होते हैं। तो अभी हम लोगों ने मैटर के बारे में दो बात जाना, पहला मैटर पार्टिकल से मिलके बना होता है और दूसरा मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। तो अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब मैटर का ये जो पार्टिकल है उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं। ये सबसे पहला, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो ये जो मैटर के पार्टिकल हैं इनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। इन एक्टिविटी 1.1, 1.2 वी सॉ दैट पार्टिकल्स ऑफ सुगर, साल्ट, डेटॉल और पोटेशियम पर मैग्नेट गॉट इवेनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। तो अभी तक जितना भी हम लोगों ने प्रयोग किया, चाहे वह साल्ट का हो, सुगर का हो, डेटॉल का हो, हम लोगों ने देखा कि यह इवेनली पानी में डिजॉल्व हो जाता है। सिमिलरली वेन वी मेक टी, कॉफी और लेमोनेड, नींबू का शरबत, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इन टू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ द अदर। तो हम लोगों ने क्या देखा कि एक प्रकार का जो पार्टिकल है वह दूसरे प्रकार के पार्टिकल में मौजूद स्पेस के बीच में डिजॉल्व हो जाता है। दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो यह क्या शो करता है कि पार्टिकल के बीच में काफी स्पेस होता है। तो अभी हम और पार्टिकल ऑफ मैटर के कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तो इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।